सरवटे बस स्टैंड से गंगवाल बस स्टैंड तक बनने वाली 80 फीट चौड़ी सड़क के लिए अपने हाथों से घर तोड़ चुके रहवासी पिछले 3 माह से इंतजार कर रहे हैं। बारिश में इस मार्ग की हालत और भी खराब हो जाती है, इससे राहगीर और रहवासी दोनों ही परेशान हैं। इस सड़क के लिए क्षेत्रीय पार्षद, महापौर और आयुक्त तक को अपनी परेशानी बता चुके हैं, लेकिन सड़क को लेकर चल रही राजनीतिक रस्साकशी है कि दूर होने का नाम नहीं ले रही। परेशान रहवासियों का कहना है कि उन्हें अब सड़क का इंतजार है। यहाँ का सेंट्रल लाइन का विवाद था, वो भी कोर्ट से क्लियर हो गया है। पुरानी सेंट्रल लाइन से ही सब रोल बनेंगे और उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मकान पिछले में 13 तारीख को टूटे ना, 13-5 से टूटे हुए हैं। स्वेच्छा से लोगों ने अपने मकान यहाँ पे तोड़े हैं और मलबा भी है ना, फोन करते हैं तो उठ भी नहीं रहा है यहाँ से, और यात्री ऐसे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सब। आप यहाँ से लेके देखे रावला तक देखेंगे तो सारे इतने परेशानी हो रही थी 3 महीने से। कीचड़, अभी पानी बारिश बंद है, अभी तो आप ये कीचड़ देखते थे, यहाँ पे लोग जाने आने में गाड़ियां स्लिप हो रही, लोग गिर रहे हैं यहाँ पे, इतनी परेशानी आ रही है यहाँ पे। हाँ, नक्शे के हिसाब से ही काम नहीं हो रहा है, और नक्शा आ जाएगा तो काम हो जाएगा, तो भी वापस बाद में और तोड़ देंगे। ये जो बाकी बच्चा है ना, उसके हिसाब से बोलेंगे तो और तोड़ देंगे, नक्शा के हिसाब से होगा तो ठीक है। बताया जा रहा है कि सड़क के बनने में इसकी चौड़ाई भी बाधक बनी हुई है। मास्टर प्लान के मुताबिक इस सड़क को 80 फीट बनाया जाना है। रहवासी चाहते हैं कि सड़क बने तो नक्शे को ध्यान में रखकर बने, जिससे किसी भी रहवासी के साथ नाइंसाफी न हो। इस सड़क को बनने में मेन चीज ये आ रही है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है मास्टर प्लान और नक्शों के अनुसार काम नहीं किया जा रहा था, तो उस वजह से पब्लिक बहुत परेशान थी। नक्शों लोगों के पास से जो खुद नगर निगम ने पास करके दिए थे, अब वो जिसका अगर 8-10 फीट बचना है तो पता चल रहा है कि वो तो बच ही नहीं पा रहा है, और उसके पड़ोसियों के भी मकान जा रहे हैं, तो इसलिए लोग बाग बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ में थे। तो उस वजह से ये काम पूरा रुका पड़ा था कि जो भी हो लीगल तौर पे हो, इनलीगल कुछ भी ना हो। जब इस सड़क को लेकर क्षेत्रीय पार्षद से टैलेंटेड इंडिया ने बात की तो उनका कहना है कि सड़क बने या तो वे भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आगे से कार्रवाई होनी है। वे महापौर और आयुक्त को लोगों की परेशानी बता चुके हैं। पिछले जब इस रोड का काम निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सबसे पहले वो मेरे वार्ड क्षेत्र से शुरू हुआ था। 6 महीने में हम हाथीपाले तक का मार्ग बना पाए थे। उसके बाद से लगातार कोर्ट कचहरी स्टे ये सब चलता रहा पिछले 2 वर्षों से, लेकिन अभी 3 महीने से जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां का स्थगन को हटा दिया, उसके पश्चात भी रोड का निर्माण कार्य नहीं किया जाना। इसके लिए मैंने महापौर जी को, कमिश्नर साहब को सबसे बात की है, और वहां पर कई लोगों ने अपने निर्माण कार्य स्वयं हटा लिए, तोड़ भी लिए। मेरा आग्रह है कि उसको तुरंत मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। दरअसल इस सड़क के बनने से जवाहर मार्ग के साथ ही हाथीपाला और सियागंज सहित अन्य क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, और एक समानांतर सड़क की सौगात भी शहर को मिलेगी। लेकिन समय रहते सड़क के नहीं बनने से रहवासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम रहवासियों की परेशानी को कब तक समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।